अब ये भी है कि कुछ अच्छा सिनेमा है जो ये उसका इंटेंशन ये नहीं होता कि आप वो कि जो जर्नलिज्म में होता है कि आपको सच्चाई से रूबरू कराए, लेकिन वो करा ही देता है, वो ना चाहते हुए भी करा देता है। तो जब बैंडिट क्वीन जैसी फिल्म मैंने देखी तो मुझे लगा यार मुझे जो अपना देश पता है या जो मैं किताबों में पढ़ता हूँ अपने स्कूल की किताबों में या जो भी पॉपुलर मीडिया टीवी न्यूज उस टाइम पे भी 90s के भी देखा, उससे परे कुछ हिंदुस्तान है और कुछ चीज है जो गलत है, और गलत है तो गलत है। तो लेकिन जब आप उसको रिकग्नाइज करते हो कि ये चीज गलत है तो आप चाहते हो कि यार मैं सही कर लूं, ये नहीं कि मैं जाके समाज बदल दूं। बहुत सारे लोग वो भी करते हैं, मेरी वो इच्छा भी नहीं है, लेकिन मैं अपने आप से ये बेहतर इंसान बनूं, मैं ये कोशिश करूं कि मैं जबकि उसमें दोनों है, एक तरीके से कास्ट एट्रोसिटीज भी है उसमें एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है, जेंडर बेस्ड एट्रोसिटीज भी है उस फिल्म में, वो दोनों बहुत ठीक तरीके से दिखाया गया है। तो यार ये है सच्चाई हमारे हमारे समाज की, और मेरे में कुछ है क्या ऐसा कि जब मैं बिना जाने वो कर रहा हूँ, तो यार मैं थोड़ा बेहतर इंसान बनूँ, मैं बेहतर इंसान बनूंगा तो दुनिया अपने आप बेहतर बनेगी। व्हाट दे से दैट द चेंज स्टार्ट्स एट योर होम, तो ऐसे कुछ फायदे भी है अच्छा सिनेमा देखने के, अच्छे नाटक देखने के। हेलो।